हेलो मित्रों, इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के सीईओ एलन मस्क एक बार फिर से दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। इस साल ये दूसरा मौका है जब उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक मस्क की नेटवर्थ 200 अरब डॉलर है, जबकि ई कॉमर्स कंपनी अमेजोन के जेफ बेजोस 194 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ दूसरे नंबर पर है। मस्क ने पिछले महीने बेजोस को पछाड़कर दुनिया के सबसे अमीर शख्स बनने की उपलब्धि हासिल की थी, लेकिन कुछ दिन पहले बेजोस फिर नंबर वन हो गए थे। मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के लेटेस्ट फंडिंग राउंड पूरा करने के बाद मस्क की नेटवर्थ में उछाल आई है। एक ही दिन में उनकी नेटवर्थ 9.20 अरब डॉलर बढ़ गई है और वो फिर से दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। उनकी नेटवर्थ इस साल 30.2 अरब डॉलर बढ़ी है। दूसरी ओर बेजोस की नेटवर्थ इस साल 3.89 अरब डॉलर ही बढ़ी है। दुनिया के टॉप 10 अमीरों में 8 अमेरिका के हैं। इनमें वॉरेन बफे को छोड़ दें तो बाकी सभी का ताल्लुक टेक्नोलॉजी से है। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट के कोफाउंडर बिल गेट्स 136 अरब डॉलर के साथ तीसरे नंबर पर हैं। फ्रांसीसी बिजनेसमैन और दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी गुड्स कंपनी मोएट हेनेसी के चेयरमैन बर्नार्ड ऑर्नोल्ट 115 अरब डॉलर के साथ इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं। और अगर बात करें इस लिस्ट में किसी इंडियन की, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और भारत के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी 80.4 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ इस सूची में 11वें स्थान पर हैं। इसी साल उनकी नेटवर्थ में 3.66 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी 44.5 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ 27वें नंबर पर पहुंच गए हैं और इस साल उनकी नेटवर्थ 10.7 अरब डॉलर बढ़ी है। यानी इस साल कमाई के मामले में उन्होंने अंबानी को पीछे छोड़ दिया है। Thank you.